नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। कमलनाथ बोले, यह बजट नहीं सिर्फ एक झुंझुना। वित्त मंत्री बोले, इसमें विकसित भारत की झलक। एमपी का फाइनल बजट जुलाई तक। ग्वालियर अहमदाबाद का सफर अब 1.5 घंटे में। प्राइवेट अलायंस के विमान सेवा शुरू। सीएम ने किया 86 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन। गुना में मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग उखाड़ा। गुस्साए लोगों ने बमोरी में किया चक्का जाम, पुलिस बल तैनात। उज्जैन के पार्क में आधार कार्ड दिखाकर एंट्री। प्रेमी जोड़े की वजह से हो रहे विवाद पर नगर निगम का फैसला। इंदौर में बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े और लूटे। इंडिया गठबंधन के संयोजक अब बीजेपी के साथ बना रहे हैं सरकार। इटारसी में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर से अभद्रता। डीएसपी विवेक सागर की कार से बाइक को टक्कर। विवेक की कार और आरोपियों की बाइक में मामूली टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार इतने तैश में आ गए कि उन्होंने विवेक को कार से उतार लिया। छतरपुर में सीईओ को फंसाने आया था निलंबित शिक्षक। कन्यादान से इनकार करने वाली आईएएस बोली, 50,000 देकर कहा मैडम डोनेशन है। मोहन सरकार का नया प्रयोग, सीएम के 13 विभागों से जुड़े सवालों का विधानसभा में जवाब देंगे राज्य मंत्री। सीनियर मंत्री सिखाएंगे गुर। गिड़गिड़ाते रहे माँ बाप, बेटी से सामने ही होता रहा गैंगरेप। एमपी में तमंचे के बल पर हैवानियत। इधर इस पूरे मामले में पुलिस के सामने चैलेंज यह था कि परिवार आरोपियों को नहीं पहचानता था। परिवार मूल रूप से शिवपुरी जिले का रहने वाला है और 1.5 महीने पहले ही भंवरपुरा इलाके के गाँव में शिफ्ट हुआ था। शिव मंदिर को अपवित्र कर शिवलिंग उखाड़ कर फेंक दिया। एमपी में बवाल, लोगों ने किया सड़क जाम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।